हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश की थी और उस पर बेस्ड हमने उसकी फिर यूनिट देखी और देखा था पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आज आपको टॉपिक करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज रहता है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमने आज स्टडी करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक चार्ज है, जैसे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो था 1/4πε0Q/r2। तो वैसे ही आज हम करने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज आपका ये कोई यहां पे क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे आपका क्यू चार्ज है, इससे इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। यहां पे कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पी पे मुझे पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, इस पॉइंट पी पे मुझे पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, और मैं यहां पे दो पॉइंट्स और बना देता हूं, एक बी और एक ए। एक पॉइंट मैंने बी बना दिया, एक पॉइंट मैंने बच्चों ए बना दिया। मान लीजिए जो ये बी और ए के बीच का डिस्टेंस है वो आपकी डीएक्स है, बी और ए के बीच की डिस्टेंस डीएक्स है, और जो आपका ये डिस्टेंस है, सपोज ये आपकी एक्स है। आप समझना थोड़ा सा, इस डिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया। अब आप यहां पे आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, इस ओ पॉइंट पे, ओ जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपका क्यू रखा हुआ है, और आपका जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट के पास आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट रखा हुआ है, और आपका ए और बी की मैं बात कर ही रहा हूं, ये डीएक्स हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, फिर से वही कैप्सूल की बात कर लेते हैं जो स्टार्टिंग से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं। मैंने क्या बोला था आपको कि प्लस प्लस को रिपेल करता है, और फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है। तो ये क्यू इस क्यू नॉट को, ये क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इस तरीके से यहां को, ठीक है, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब आप मान लीजिए कहते हैं कि ये डीएक्स डिस्टेंस है ए से बी, आप क्यू नॉट को मूव करा रहे हैं ए से बी की तरफ। तो आप यहां ध्यान दीजिए, जो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ये है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन ये आएगी। तो अगर आप ये डीएक्स वेक्टर और एफ वेक्टर का एंगल देखोगे, तो ये जो एंगल है वो कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। आपको कुछ चीजें ऐसे पहले डायग्राम में क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मूव आप इधर की तरफ को कर रहे हैं, तो एंगल आप अगर लेके चलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहां पे क्यू रखा हुआ है, इस जगह पे आपका क्यू नॉट रखा हुआ है, तो हम कैसे लिख देते हैं इसको, लेट क्यू बी अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट ओ, प्लेस्ड एट ओ, ठीक है, लेट पी बी अ पॉइंट डिस्टेंट, डिस्टेंट स्मॉल एक्स फ्रॉम, डिस्टेंट सॉरी आर है, स्मॉल आर फ्रॉम क्यू, जो चार्ज क्यू है उससे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेट क्यू नॉट बी अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, placed at point, point A, किस पॉइंट पर रखा हुआ है, A पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पे Q रखा है, यहां Q नॉट रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, X है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, देखो द इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट कितना होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता था, आर होती थी बच्चों डिस्टेंस, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस है एक्स, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बाद में जहां पे F की जरूरत होगी तो हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब आप
कहते हैं कि लेट क्यू नॉट बी मूव्ड फ्रॉम क्यू नॉट बी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी अ स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस dx से हमने इसको मूव करा दिया है, कहां से a से b के लिए मूव करा रखा है, स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आप यहां पे देखिए, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी लेके जाने में जो वर्क डन होगा बच्चों, एक स्मॉल डिस्टेंस है dw, तो यहां पे जो वर्क डन होगा तो वो हो जाएगा आपका f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो आपको दिख रहा है f इधर की तरफ है, dx इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका f dx cos थीटा होता है, थीटा की जगह cos 180 डिग्री। फॉर्मूला था आपका a डॉट b, वो था ए बी कॉस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया आपका a डॉट f डॉट dx, f dx cos 180। अब cos 180 आपका कितना होता है, माइनस 1, तो dw आपका हो जाएगा माइनस f dx। तो ये तो यहां से यहां लेके जाने में वर्क डन है। अब अगर आपको पार्टिकल को अब पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन पिछले वाले में पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आना है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे ये रखा हुआ था, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आना है, तो आपको अगर वर्क डन निकालना है, तो आपको सीधे बोला जाएगा भाई इंटीग्रेशन कर दो डीडब्ल्यू का। अब आप बोलोगे इंटीग्रेशन की सर लिमिट क्या होगी, तो ला कहां से रहे बच्चों आप, देखिए इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू कोई बात नहीं, डीडब्ल्यू की वैल्यू जो है आपकी माइनस एफ डी एक्स है, इसको माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब यहां पे dx में लिखा हुआ है, तो आप मुझसे पूछोगे लिमिट किस में होगी, तो मैं कहूंगा लिमिट x में होगी, तो x कहां से आ रहे हैं आप, इन्फिनिटी से, पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, लेके कहां तक आ रहे हैं आप, एक डिस्टेंस कहां तक, r तक, तो p पॉइंट पे आ रहे हैं ना आप इन्फिनिटी से, तो चले हैं लेकिन इन्फिनिटी से कहां चले, पॉइंट p पे, तो लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r हो जाएगी। और अभी मैंने f की वैल्यू निकाली थी माइनस इंटीग्रेशन, देखो क्या था, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू आपकी r लिमिट हो जाएगी। जल्दी से इसको नोट करिए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, कैलकुलेशन का पार्ट, माइनस 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट भी बाहर आ जाएंगे आपके, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, लिमिट इंफिनिटी टू आर हो जाएगी। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करता हूं कैलकुलेशन के लिए, तो अब इसको ध्यान दीजिए, क्यू क्यू नॉट हो जाएगा, इसको मैं इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर माइनस टू डीएक्स लिख देता हूं, ये ऊपर चला गया, लिमिट हो गई मेरी इंफिनिटी टू आर हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरा 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट ये बाहर ही है, इसकी जो इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, और यहां इंफिनिटी टू मैंने लिख देना है आर। फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो बच्चों मुझे एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन लिखना, तो मेरा एन की जगह पे माइनस टू था, तो मैं क्या करता, माइनस टू प्लस वन, और यहां भी माइनस टू प्लस वन, तो देखो मैंने वही किया, माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, तो जो बचेगा वो मैं आगे लिख दूंगा। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, उससे मैंने सॉल्व किया है।
तो अब यहां पे देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए कैसे होने वाला है, 1/4πε₀ आपका बाहर ही था, क्यू क्यू नॉट बाहर था, यहाँ पे एक्स की पावर -1 बचेगा और यहाँ पे -1 बचा, और एक चीज ये माइनस चल रहा था आपका यहाँ पे था यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ, तो 1/4πε₀ और यह इन्फिनिटी टू आर हो गया। एक्स की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू आर, तो ये 1/4πε₀ हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞ तो बच्चों आपका जीरो होता है, तो कितना आ जाएगा 1/ε₀, अरे यार q q0 अपॉन r। तो आपने ये देखा कि आपका ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल का, कितना 1/4πε₀ q q0 अपॉन r। तो ये आपने निकाल दिया है वर्क डन, सॉरी अभी ये आपका निकल के आ गया वर्क डन, कि कौन सा वर्क डन, टू मूव पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी, टू मूव पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वो आपने निकाल दिया 1/4πε₀ क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, जल्दी से इसको नोट करिए फिर पोटेंशियल करते हैं। अब मुझे करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4πε₀ क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 1/4πε₀ क्यू बाई आर। तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था आपका, 1/4πε₀ क्यू बाई आर स्क्वायर, आपने किया हुआ था, थोड़ा सा ऐसे भी अंतर आपको समझ में आना चाहिए, उसका था क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्यू बाई आर होता, तो डिफरेंस क्या है, वहां आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे आर है सिंपली, एक तो सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे ये है। दूसरी चीज, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो दो चीजें आपने ध्यान देनी। तो इस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे रखा ए पॉइंट पे, ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, dx मूव कराना है तो dx मूव कराने में वर्क डन निकालूंगा, तो f डॉट dx करूंगा तो f dx cos 180 -1 आ गया था, -fdx हो गया था, टोटल वर्क डन किया तो पार्टिकल इन्फिनिटी से लेके आ रहा है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी टू r हो गया था, उसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया था -1/4πε₀ क्यू क्यू नॉट, माइनस तो पहले बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन 1/4πε₀ क्यू क्यू नॉट अपॉन x²dx, फिर 1/4πε₀ क्यू क्यू नॉट आपने बाहर ले लिया था, इंटीग्रेशन 1/x² का हुआ था, x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2, इंटीग्रेशन करोगे x की पावर -2 + 1/-2 + 1, उसको लिमिट रख के सॉल्व किया तो वर्क डन आपका निकल के आ गया था 1/4πε₀ q q नॉट अपॉन r, फिर पोटेंशियल निकाला तो w अपॉन q नॉट, q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट हो गया। चलिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल से पोटेंशियल निकालना, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, नेक्स्ट वीडियो में एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे।